तो हमने कहा हमने मेहनत की है, लेकिन जो चेक है वो हम मैम के हाथ से दिखवाएंगे हमसे, इसीलिए हमने कम्युनिकेट किया है यहाँ पे। आगे बताइए आपने। मैम मैं आपको दो शब्द बोलूँ बोलने के लिए बोलूँगी कि अभी हमने एक जो छोटा सा एफर्ट आपके सामने किया है कि ये जिस तरीके से रोनेशन। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, तो आज भी इनके लिए बोला मैंने, इन्होंने कहा नीतू ठीक है, इन्होंने बोला ये तो दे रही थी, फिर इन्होंने बोला कि नीतू नीतू मैम को बोलो वो भी देंगे, नीतू मैम ने भी दिया। ऐसे करते करते मेरे 40 से 6 टीचर्स ने हाँ की, 1000-1000 रुपीज एक ही कॉलेज से जिस कॉलेज से मैं पढ़ी आग लगाने वाली है मैम की। सबसे पहले इन्होंने दिया तो जाके आप 6 बजे शायद थोड़ा टाइम और होगा, वैसे 2 दिन तक हम चलाएंगे इसको तो जितना ज्यादा हो सकेगा, पर इनका हाथ था मेरे साधु बाबा। आप कुछ कहेंगे नहीं मेरे बारे में, बोले तू कौन होता है देने वाला, देने वाला वो है, तू तो सिर्फ जरिया है, तू तो सिर्फ जरिया है। पर वो जरिया ही सही, लेकिन जरिया के लिए भी धन्यवाद को देना पड़ता है, कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, बस वही है। मैम मैं आपसे चाहूंगी आज थोड़ा आशीर्वाद आप दो। जवान के साथ जानते हो सकती है, तो मैंने अपनी लाइफ को इधर ही डिवोट करा। जनरल केयर से मैं जनरल वोट में जाती हूँ, जो अभी 2 घंटे मॉर्निंग 2 घंटे शाम को, तो मॉर्निंग वो जैसे गाइड करते हैं ना कहाँ जाना है कहीं, वो गाइडेंस भी उसमें लोगों को दे देते हैं, और शाम को मैं अंदर तो बैठे लॉयंस क्लब रहते थे जाकर, तो शायद यहाँ पैकेज वार्ड हैं उसमें जाके हम मरीजों से डॉक्टर से पूछते हैं कौन गरीब मरीज है जिसको दवाई चाहिए उसके, तो उनको हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वेलकम प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को पढ़ने के काम आती है, तो मतलब जस्ट ये एक ऊपर वाले का जो है लिखा हुआ अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, अभी तो मेरे कॉन्टेक्ट में आई जितना मैं मानती हूँ वही बहुत है। आज के जमाने में बच्चे कैसे आप कोरस में गाएंगे तो बहुत अच्छा है, आप लोग भी सब साथ में गाओगे। उससे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं,
रहते होंगे, मुस्कुराओ तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, उससे चलो अभी आप लोग थोड़ा।